मध्य प्रदेश विधानसभा में नेहरू की तस्वीर हटाकर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर लगाए जाने पर दूसरे दिन भी हंगामा जारी रहा। सदन में नेहरू और सरदार पटेल के चित्र ले जा रहे कांग्रेस विधायकों को रोक दिया गया। कांग्रेस ने कहा भाजपा नेहरू की विचारधारा को खत्म करना चाहती है। वहीं भाजपा ने कहा कांग्रेस विधायक अंबेडकर का अपमान कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू का फोटो हटाने को लेकर दूसरे दिन भी विधानसभा में बवाल जारी रहा। कांग्रेस के विधायक सदन में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल की फोटो लेकर जा रहे थे तो उन्हें रोक दिया गया। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा जवाहरलाल नेहरू की विचारधारा को खत्म करना चाहती है। इसके बाद कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के पास प्रदर्शन किया और धरना दिया। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि भाजपा नेहरू जी के विचारों को इस देश से खत्म करना चाहती है। हम चाहते हैं कि अम्बेडकर जी की फोटो के साथ नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल का फोटो भी लगाया जाए। बसपा से कांग्रेस में आए विधायक फूल सिंह वरिया ने कहा भाजपा बाबा साहब की आड़ लेकर नेहरू की विचारधारा को खत्म कर रही है। विरोध इस बात का है कि क्यों भाजपा इस प्रकार की हरकतें कर रही, क्या जो विचारधारा जो नेहरू के विचार देश में खत्म करना चाहती है। हम चाहते हैं कि साथ में तस्वीर अंबेडकर जी के साथ नेहरू की भी लगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश के लिए योगदान दिया, इन सब की तस्वीरें यहाँ पे लगना चाहिए। नहीं, भाजपा कहने से क्या होता, मैंने खुद ने पत्र लिखा है कि अंबेडकर जी के साथ लगना चाहिए, तो मैंने किसी का वो तो नहीं किया। भाजपा विषय से भटकना चाहती है, वो एक विचारधारा खत्म करना चाहती है, नेहरू के विचारों खत्म करना चाहती है। हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जो फोटो हटाई और जहाँ पर विवाद खड़ा किया है, जिस विवाद में बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम उन्होंने घसीटा है, ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान है। और मैं समझता हूँ इस अपमान के खिलाफ हम लोग जहाँ भी जरूरत पड़ेगी आंदोलन करना पड़ेगा करेंगे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जो विचार है आधुनिक भारत, आज हम जिस कल में खड़े हैं वहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू का बहुत बड़ा योगदान है, इसको भारतीय जनता पार्टी खत्म करना चाहती है। कांग्रेस विधायकों के धरने को लेकर भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के भाग में धरना देना ही लिखा है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। देखिए, कांग्रेस के भाग में धरना ही है और कांग्रेस को धरना देना ही है, लेकिन कांग्रेस इतना जरूर समझ ले कि किसी भी कीमत पर संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अर्चना चिटनिस ने कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा कांग्रेस के पास पब्लिक के कोई इशू नहीं है और कांग्रेस ही नॉन इशू मसले को मुद्दा बनाते हैं। कांग्रेस के पास कोई पब्लिक के इश्यूज नहीं है और कांग्रेस के पास नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने के अलावा कोई और तरीका नहीं है। और मैं समझती हूँ कि बेहतर ये है कि कांग्रेस पब्लिक इश्यूज पर अपने विषय उठाए और एक बेहतर और एक सेंसिबल विरोधी पक्ष का कर्तव्यों का निर्वहन करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।